नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल इंडिया अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं मिस्टर संदीप महेश्वरी जी, जिनके बारे में अगर प्रशंसा करना अगर स्टार्ट करें तो सुबह से शाम हो जाएगी। फिर भी प्रशंसा करते करते हम लोग थकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में दो शब्द कहना चाहेंगे कि संदीप महेश्वरी जी, आपने हमारे भारत के नवयुवकों को बहुत ही आगे प्रोत्साहन दिया है, मोटिवेट किया है कि वो अपने ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सके और जो वो रियलिटी में जो चाहते हैं वो पा सके, और कामयाब बनने के लिए जो वर्किंग के लिए आपने जो मोटिवेशन दिया है वो वाकई में काबिल-ए-तारीफ़ है। आप जैसा यूट्यूबर ना हुआ है ना होगा, आप जैसा यूट्यूबर हुआ है ना होगा। और मैं बिल्कुल सच कहूँ संदीप महेश्वरी सर कि आपका मैं सबसे बड़ा फ़ैन मेरे जैसा ना होगा, क्योंकि मैं आपको देखता हूँ, आपके मैं समझता हूँ, वही मैं अपने में अप्लाई करता हूँ। क्योंकि भोलापन के बारे में जो आपने टिप्पणी दी थी उसको मैं अपने इस वीडियो में निखार के बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको हमारे सर संदीप महेश्वरी जी, जो कि बहुत ही बड़े यूट्यूबर है, उनकी शिक्षा हमारे इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं सीख आप तक पहुंच सके। तो हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मानवीय गुणों में सबसे कीमती और सबसे अच्छा भोलापन है। मानवीय ही नहीं, ईश्वरीय गुणों में भी है। कहते हैं जब परमात्मा धरती पर मनुष्य को भेजता है तब उसे जो जो गुण सौंपता है उनमें से एक होता है भोलापन। और जब मृत्यु के बाद मनुष्य को की मुलाकात परमात्मा से होती है तो उस समय जो जो व्यक्ति भगवान सवाल पूछता है उनमें से एक होता है वह भोलापन बचाकर लाए हो जो जन्म के समय सौंपा गया था। पूरा जीवन वह अपने भोलेपन को बचाए रखने के लिए लड़ता है और उसे सफलता भी मिलती है। पुराणों में एक कथा आती है, जड़ भारत की है, दूसरों लोगों की यह मात्र महामूर्ख है, लेकिन इसे राजा भरत का अवतार माना जाता है। उन्होंने तय किया था कि मैं जीवन में के प्रति अनास्तिक का भाव रखूंगा, वह पूरी जिंदगी ऊपर वाले की मर्जी पर चले, यहाँ तक कि जब उन्हें जंगल में भील राजा के सैनिकों ने पकड़ा और वे उनकी बलि देने की तैयारी करने लगे तब भी वह हंसते रहे। हंसने के कारण बताया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मौत कैसे होती है, पर उन्हें ईश्वर ने बचा लिया। दरअसल जड़ भारत मूर्ख की थी, उन्होंने खुद को मुक्त कर लिया था। जड़ भारत होना कोई साधारण काम नहीं, इसके लिए अपना अहंकार छोड़ना है होगा, इसी ताकत पर भरोसा रखना होगा। भोलापन हर व्यक्ति के जीवन में होता है, अगर व्यक्ति इसको अपने अच्छे प्रकार से बनाए रखे, सजोए रखे, ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ चीज है। यदि हम चाहें तो अपनी इन चीजों को आसानी से सहज के रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जो हमारी माननीय और आदरणीय संदीप महेश्वरी जी की जो सोच है और जो उन्होंने बताया है, भोलापन नहीं चलाक चंट चलाक बनो, क्योंकि आप जानते हैं कि इस दुनिया में भोलापन की को लोग बेवकूफ़ समझते हैं और जो चंट चलाक लोग होते हैं लोग उन्हीं को अहमियत देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किस प्रकार से दुनिया में वर्क कराया जा सकता है और किया जा सकता है। तो इस वो हार्ड वर्क को नहीं स्मार्ट वर्क को चुनते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है, और आगे ऐसे ही हमारे नए मोटिवेटेड वीडियो के लिए जो है हमारे चैनल इंडिया अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन निरंतर रूप से मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड थैंक यू संदीप सर टू।